चल चल विक्रम, जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। अब वासु देखते हैं वो कैसे बचती है। दीदी, आज फिर भोला बच गया। कहिए, आपने मुझे कैसे याद किया? विक्रम और वासु को मेरी लिखाई का नमूना मिल गया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो दोनों लिखाई मिलाकर ये साबित करना चाहते हैं कि मैं गायत्री नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है? हे माँ, अब क्या करें? भोला सोचता था कि यह सब आसान होगा, लेकिन रोज कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ जाती है। हमें कुछ करना चाहिए। अगर विक्रम ने वो लिखाई मिला ली तो हमारी सच्चाई सामने आ सकती है। ध्यान से मेरी बात सुनो भोला। कौन है वह? कौन है? तुम यहां क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? आवाज हुई तो देखने आ गई कि क्या बात है। मामी जी, आई एम सो सॉरी मैं लेट हो गया। रियली सॉरी। इट्स ओके विक्रम। मुझे लगता है शहर का ट्रैफिक समय पे आने वाले लोगों की रेपुटेशन दूसरा करने पे तुला है। आप कुछ लेंगी मामी जी? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा समय। ओके, आई एम ऑल योर्स, टेल मी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ विक्रम, कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसी बातें कर रही हैं आप? गायत्री के साथ अगर मैंने तुम्हारी शादी नहीं की होती तो तुम्हारी जिंदगी नरक नहीं बनती विक्रम। हाँ, ये तो सही है। खैर, मुझे नहीं पता था कि गायत्री इतनी बदल जाएगी। मामी जी, आपने आपने भी
गायत्री में चेंज नोटिस किया? बिल्कुल, मैं आंधी थोड़ी हूँ। जिस लड़की के मुंह में जबान नहीं होती थी, जबान होने के बाद भी अभी देखो कैची की तरह चलाती है। मामी जी, ये चेंज आपने कब से नोटिस किया? जब से आप दोनों वैष्णो देवी से वापस आए हैं, लगता है कि पैसों का नशा उसके दिमाग पर हावी हो चुका है। काश मैंने तुम्हारी शादी अपनी बेटी मालिका से की होती। क्या? सगी बेटी जो थी, अगर गलत काम करती तो पीट कर उसे ठीक करवाती। लेकिन क्या करूं, यहाँ पर मैं मजबूर हूँ। गायत्री मेरी भांजी चौथेरी। मामी जी, अब छोड़िए बीती बातों को, जाने दीजिए। कैसे जाने दो? मुझे दिन रात तुम्हारी चिंता रहती है विक्रम, कि तुम्हारा क्या होगा। देखो विक्रम, ऐसी कोई भी गलती नहीं है जो सुधारी नहीं जा सकती। गायत्री अब भी तुम्हारी जिंदगी से जा सकती है, सिर्फ एक इशारा कर दो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। पहले भी एक बात तो निकाल चुका हूँ मैं। क्या? नहीं, कुछ नहीं मामी जी। मामी जी, एक चीज बताइए मुझे, गायत्री की जुड़वा बहन है क्या? जुड़वा बहन? क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही थी क्या? मैंने कभी पूछा नहीं। मेरी जब शादी हुई थी तब गायत्री के माँ बाप गुजर चुके थे और गायत्री को सत्यन के सपूत कर गए। अच्छा, गायत्री के माँ बाप गुजरे कैसे थे? मैंने कभी पूछा नहीं। सुना था कि एक अजीब हादसा था, माँ बाप गुजर गए, सिर्फ गायत्री बच गई। लेकिन तुम ये सब कुछ पूछ क्यों रहे? मामी जी, अगर 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 गायत्री की जुड़वा बहन होती तो मामा जी को तो पता होता, राइट? ऑफ कोर्स, उसके मामा जो ठहरे। लेकिन बात क्या है? प्रैक्टिकल जोक मामी जी, मेरे दिमाग में मजाक सूझ, मैं वक्त आने पर आपको बता दूंगा। फिलहाल आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर लीजिए, मामा जी से आप फाइंड आउट कीजिए कि क्या गायत्री की जुड़वा बहन थी। मामी जी, आप मेरे लिए काम कर लेंगी ना? ऑफ कोर्स बेटा, एनीथिंग फॉर यू। थैंक्स। कहीं छोड़ सकता हूँ आपको? थैंक्स, आई गॉट माय कार। बाय। बाय। नहीं, आज जिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। नहीं ना, we could go to the airport, you know? यदा यदा की धर्मस्य, यदा यदा नी धर्मस्य, यदा यदा नी, यदा यदा नी धर्मस्य। अक्षय, तुम अभी तक यहाँ पे हो? और तुमने दूध भी नहीं पाया? पहले नहीं 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 दूध ही पीऊँगा। पहले ये बताइए कि यदा यदा नी धर्मस्य क्या आगे क्या है? मुझे नहीं मालूम, दूध पियो। नो 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 नो, सवेरे सवेरे क्यों तंग कर रहे हो मम्मी को? हाँ, टीवी में कोई गाना देख लिया होगा, बस वही बोले जा रहे हैं। चलो दूध पियो। नहीं नहीं, ये गाना नहीं है, कुछ और ही है। यदा यदा नी। अरे दीदी, मिस्टर ब्रॉन तो गीता का श्लोक बोल रहा है, जरूर गायत्री से सीखा होगा। और किससे सीखेगा बेचारा छोटा सा बच्चा, बहुत बना के रख लिया इसे। नहीं नहीं, गाय मम्मी बहुत अच्छी है। दूध पियो चुपचाप। नहीं नहीं, पूजा मौसी, आपको पता है इसके आगे क्या है? ऑफ कोर्स पता है आगे क्या है। यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य समथिंग 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 समथिंग, और फिर आफ्टर दैट ऑफ कोर्स भारत अभ्युत्थानम। पूजा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? समथिंग समथिंग समथिंग। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः। परित्राणाय साधुना
विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जब जब इस संसार में पाप और अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं जन्मूंगा सच को बचाने के लिए और दुष्टों के सर्वनाश के लिए मैं हर युग में अवतार लेकर आऊंगा गाय मम्मी अवतार क्या होता है जब भगवान मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेते हैं तो वो अवतार कहलाते हैं जैसे कि राम जी और किशन जी हाँ लेकिन गाय मम्मी जब राम जी भगवान थे तो रावण को मारने में उन्हें इतना समय क्यों लिया वो तो रावण को एक सेकंड में मार सकते थे क्योंकि हर चीज का एक समय होता है अक्षय समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं होता ये कुदरत का नियम है और जब भगवान मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं ना तो उन्हें भी इस नियम का पालन करना पड़ता है वासु मैं लेट हो रहा हूं शाम को तुम्हें अग्निहोत्री के ऑफिस में मिलूंगा ये अग्निहोत्री कौन है बाबूजी एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट राइटिंग एक्सपर्ट उससे तुम्हें क्या काम पड़ गया कुछ नहीं बाबूजी बस यूं ही कुछ पता लगा वासु पहुंच जाना कितना टाइम लगाएगा यार ये एग्जामिन कर रहा है ना रिलैक्स तुझे क्या लगता है मैच होगा मैच होने का सवाल ही नहीं उठता असली गायत्री मर चुकी है exactly. और जो गायत्री घर में है वो कोई और है जो घर में है वो गायत्री हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने दही का हाँ जी बोलिए क्या रिपोर्ट है आपकी दोनों हस्ताक्षर एक ही आदमी के हैं ये कैसे हो सकता है आप फिर से एक बार चेक कीजिए प्लीज जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं ये काम कर रहा हूं और मेरी दी हुई रिपोर्ट कभी गलत नहीं जाती क्या हो रहा है वासु मैंने तो उसे आपने उसे क्या नहीं कुछ नहीं आई एम सॉरी देखिए कहीं ये नकल या फौजरी तो नहीं है आपने जो दो लेटर्स दिए हैं ना उनके हस्ताक्षर एक ही आदमी के हैं इनफैक्ट आदमी नहीं औरत के हैं औरत के और दैट्स फाइनल क्या हुआ क्या सोच रहे हैं आप मैं बहू के बारे में सोच रहा था मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी आज बहू के मुंह से गीता के उपदेश सुनकर बहुत अच्छा लगा बहू की वाणी कितनी पवित्र कितनी साफ है मन को कितनी शांति मिलती है उसका एक एक शब्द जैसे शरीर के रोम रोम में बस रहा था हम कितने खुशनसीब हैं रेवती जो देवी माँ ने हमें ऐसी बहू दी बहू के रहने से घर का वातावरण ही बदल जाता है एक बात समझ में नहीं आती कि बहू की इतनी सारी खूबियां विक्रम को नजर क्यों नहीं आती जी हमारी बदकिस्मती है पता नहीं विक्रम कब समझेगा कि उसे पत्नी के रूप में
साक्षात देवी मिली है। नामुमकिन है बासु। I'm sure ये अग्निहोत्री से कोई ना कोई गलती हुई है। I'm sure of it। मुश्किल है विक्रम। क्यों? मुश्किल क्यों है? इंसान है अग्निहोत्री, बूढ़ा हो चुका है, गलती हो सकती है उससे। विक्रम अग्निहोत्री एक्सपर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक उसका ओपिनियन मानता है। सुप्रीम कोर्ट मानता होगा लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूं कि गायत्री मर चुकी है और वो वापस नहीं आ सकती। फिर विक्रम एक ही मुद्दा खड़ा होता है, नकली गायत्री की हैंडराइटिंग असली गायत्री से कैसे मैच कर रही है। ये तो अच्छा हुआ दीदी, बोला ने सही समय पर विक्रम की अलमारी से ये कागज चुरा कर आपका कागज वहां रख दिया, वरना विक्रम हमारी सच्चाई जान के रहता। विक्रम और वसु ये सोच सोच कर परेशान हो रहे होंगे भोला कि आखिर दोनों हैंडराइटिंग्स मैच कैसे कर गए। काश भोला उनका मुंह देख पाता, विक्रम चिल्ला रहा होगा मैंने गायत्री का खून किया है, और वासु अपने खुद की नई कहानियां बना रहा होगा। विक्रम एक एक्सप्लेनेशन है। क्या? हमारे मुताबिक ये गायत्री शेट्टी की भेजी जासूस है, राइट? शेट्टी अंडरवर्ल्ड का आदमी है, राइट? राइट, गेट टू द पॉइंट विकी। द पॉइंट इज क्योंकि शेट्टी अंडरवर्ल्ड का आदमी है, वो डेफिनेटली अच्छे से अच्छे फोर्जर को जानता होगा। कहने का मतलब ये है कि इस नकली गायत्री ने फोर्जरी सीखी होगी, जिसकी वजह से हैंडराइटिंग्स मैच कर रही हैं। विक्रम ना वासु, इट्स इम्पॉसिबल, इतना बड़ा इत्तफाक कैसे हो सकता है? शक्ल भी मिलना, हैंडराइटिंग भी मिलना। देख वासु, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इस सारे चक्कर में शेट्टी का हाथ है ही नहीं। ऐसे तो कैसे कह सकता है, क्योंकि अगर शेट्टी का हाथ होता तो अब तक उसकी तरफ से कुछ ना कुछ तो डिमांड आता। उसने डिमांड की होंगी, तुझे कैसे पता? उसने डिमांड नहीं की है, क्योंकि अब तक कंपनी के अकाउंट्स में से उसे कुछ नहीं मिला। तूने कंपनी के अकाउंट्स चेक किए? जी हाँ, मैंने अकाउंट्स चेक किए, और इस औरत ने एक रुपया तक नहीं विड्रॉ किया। तो फिर ये औरत है कौन? दीदी ऐसा कब तक चलेगा? आज तो हम बच गए, लेकिन कल तो सबको सच का पता चल सकता है। जब तक मकसद पूरा नहीं होता किसी को सच का पता नहीं चलेगा। भोला ने सोचा था कि विक्रम आपको यहाँ देखकर डर जाएगा और अपना गुनाह कबूल कर लेगा, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला। विक्रम कुछ भी बोल, ये नकली गायत्री बहुत तेज है। अकेले सिर्फ एक लड़के भोला के साथ घर आई और सबको अपने जाल में फंसा रही है। तूने आज सुबह देखा ना गीता उपदेश का ड्रामा, सब चुपचाप उसे देखते रह गए। बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है ये। सब नाटक है वासु, सब नाटक है। लेकिन कब तक बची रहेगी? कभी ना कभी तो मेरे जाल में फंसेगी ये औरत। विक्रम ये जाल में तब फंसेगी जब हमें ये पता चलेगा कि असली गायत्री के बारे में ये इतना कुछ कैसे जानती है, और इसका यहाँ आने का मकसद क्या है। मैं गायत्री पर किए गए एक एक अत्याचार का बदला लेने आई हूँ, यही मेरा मकसद है। मैं गायत्री को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। जब तक गायत्री का बदला नहीं ले लेते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब तक मैं उस औरत का पर्दाफाश नहीं करता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। विक्रम लाख कोशिश कर ले वो मुझे नहीं रोक पाएगा। वो लाख कोशिश कर ले मैं उसे रोक कर ही रहूंगा। मैंने गायत्री को वचन दिया है और मैं उसे पूरा करके रहूंगी।